नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में सभी रेंज के एडीजी आईजी और कमिश्नर की मीटिंग ली। आज डीजीपी पुलिस अधिकारियों के कामकाज से नाराज नजर आए और जमकर बरसे। डीजीपी ने साफ साफ कहा कि आपको अगर लगता है कि पुलिस की नौकरी आरामदायक है तो यह सोच बदलनी होगी, फील्ड में जाने और काम करने की जरूरत है। डीजीपी ने कहा कि मैं खुद प्रदेश की हर रेंज में जाकर आया हूं और वहां सर्किल ऑफिसर की मीटिंग ली। इसमें कई खामियां सामने आई, कमजोर अधिकारियों को मजबूत करने की सलाह दी। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट और जागृत करने में जुट गई है। इसकी झलक बीकानेर में श्री गंगानगर रोड स्थित शगुन पैलेस में शनिवार से शुरू हुए शहर कांग्रेस के 2 दिवसीय आवासीय शिविर के पहले दिन दिखी। प्रशिक्षण के दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आमजन तक तथ्यात्मक और सही जानकारी पहुंचाने की बात पर जोर दिया। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास से भी रूबरू करवाने के लिए जानकारी दी। इससे पहले ध्वजारोहण के साथ आवासीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के बाद अब कांग्रेस के नेताओं ने भी सरकार से भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं सचिन पायलट खेमे के नेताओं ने धरना देकर छात्रों का समर्थन किया है। इसमें विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, अनिल चोपड़ा समेत कई नेता शामिल हैं। पाली में स्वस्थ लड़के का नेत्रहीन से शादी करने पर चर्चा बनी हुई है। पाली का लड़का और भोपाल की दिव्यांग लड़के की 19 फरवरी को शादी हुई थी। दूल्हे का कहना था कि सब लड़के स्वस्थ लड़कियों से शादी करेंगे तो दिव्यांग लड़कियों का क्या होगा, उनका सहारा कौन बनेगा। इसी सोच के कारण उन्होंने दिव्यांग को ही अपना जीवन साथी बनाने की ठानी। इस नेक सोच का दूल्हा मिलने पर दुल्हन का परिवार भी खुश था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुरू हुई उठापटक का असर सोने चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। राजस्थान में सोमवार को रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच रहे सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर गिरावट हुई है। जयपुर में सोना 24 कैरेट 10 ग्राम 200 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद बाजारों में एक बार फिर ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। परीक्षा में अच्छे नंबर के लिए एक टीचर लगातार नाबालिग स्टूडेंट को धमकाता रहा, गंदे कमेंट कर टॉर्चर करता रहा, बात नहीं मानने पर फेल करने की धमकी देता रहा। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, मुझे खुश कर दो, अच्छे नंबर दूंगा। परेशान स्टूडेंट ने परिजनों को यह बात बताई तो मामला थाने पहुंचा। यह घटना दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर टीचर की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में युवा बेरोजगारों के बाद अब संविदा पर लगे लेखा सहायकों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचायती राज विभाग में लगे 750 से ज्यादा लेखा सहायकों ने बताया कि 13 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी हम सिर्फ 8,000 रुपए के वेतन पर काम करने को मजबूर है, जबकि सरकार ने 2013 में ही लेखा सहायकों की भर्ती निकाली थी, जिसमें संविदा पर लगे कर्मचारियों को नियुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में अगर सरकार ने इस बजट में हमारी मांग नहीं मानी तो प्रदेश भर में लेखा सहायक विधानसभा का घेराव करेंगे। 12 के अंता कस्बे में नई कॉलेज बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन पिछले 2 सालों से नए भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया है। इसको लेकर सोमवार को कॉलेज स्टूडेंट कस्बे में रैली निकालकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे। स्टूडेंट ने यहां नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी रजत विजय वर्गीय को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज छात्रों ने बताया कि कस्बे में 6 करोड़ की लागत से कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाई गई है। राजस्थान में स्कूली वाहन हादसों के बाद प्रशासन की नींद खुली है। सिरोही जिला परिवहन अधिकारी ने बाल वाहिनी के अलावा अन्य वाहनों की भी जांच तेज कराने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के तहत सोमवार को सिरोही परिवहन कार्यालय क्षेत्र में 15 वाहनों को सीज कर कार्रवाई की गई। विभाग का कहना है कि बाल वाहिनी चलाने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। जिला परिवहन अधिकारी नानजी राम गुलशन ने बताया कि जैसलमेर में हुए बाल वाहिनी हादसे के बाद जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए स्कूल वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है।
डूंगरपुर जिले का सरपंच संघ 10 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर आया है। सरपंचों ने गहलोत सरकार के सामने इन मांगों को पूरा करने का प्रपोजल रखा है तो मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। सरपंच संघ डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष लीलाराम वरहात के साथ बड़ी संख्या में सरपंचों ने सोमवार को विरोध जताया। सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए सरपंचों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जालौर जिले के सायला पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। थाना क्षेत्र के पथेड़ी गांव में स्थित रामदेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। रविवार रात चोरों ने मंदिर का दान पात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली। सोमवार सुबह मंदिर के पुजारी लहरगिरी पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मंदिर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो मंदिर की हुंडी भी टूटी हुई थी। अजमेर जिले के सरवाड़ उपखंड के धानमा गांव के सोमवार को एक सफेद गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद ही ये गुब्बारा वहां ओम प्रकाश कुम्हार के खेत में गिर गया। इसके साथ ही गुब्बारे से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी वहां बिखर गए। इस घटना के बाद ग्रामीण सहम गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आप किस शहर से हैं, यह वीडियो कहां तक पहुंचा कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके क्षेत्र के बारे में हम नई जानकारी दे सकें। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।